यो तो आ गए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो गाइस आज हम दोबारा से प्ले करने जा रहे हैं गैंगस्टर वेगास। आपने गैंगस्टर वेगास की लास्ट वाला गेम प्ले देखा होगा तो आपको पता होगा उसके अंदर हमने वेगास सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर से पंगा ले लिया था। मतलब जाने अनजाने में मेरे को पता नहीं था कोई इतना ज़्यादा अमीर और इतना ज़्यादा रिचेस्ट है कि क्या ही बताऊँ। उसने मेरे भाई को भी मरवा दिया बिकॉज मैंने उसके फाइटर को हराया था और उसको वो मैच जीतना था। बट गाइस मैं क्या ही करूँ, मैं एक बॉक्सर हूँ और मैं ऐसे हार नहीं सकता था। तो फिलहाल के लिए आपको पता हो कोई भी गैंगस्टर बनता है तो वो छोटे मोटे कारनामों से नहीं, वो एक बड़ा बड़ा क्राइम करता है। तो देखो सबसे पहले मैं आ चुका था ईमैन के पास। हाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी हल्का फुल्का ये भी वो काम कर ही लेता है, मतलब ये भी उन सारे कामों को करता है बट छोटे लेवल पे। तो गाइस छोटे छोटे से ही बड़े की स्टार्टिंग होती है। तो देखो कोई भी गैंगस्टर करता है तो कुछ ना कुछ तो क्राइम करता ही होगा। तो जो ये ईमैन है ये हमको है ना सारे लोगों के बारे में बताएगा, कौन क्या बेचता है, किस तरीके से बेचता है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हम फ्रैंक हैरिंगटन को हरा सकते हैं। तो काफ़ी तेज़ी से भागते हुए गाइस मैं उस ड्रैगन के पास आ चुका था। ये जो बंदा है इसका नाम ड्रैगन है और ड्रैगन इस वजह से क्योंकि ये काफ़ी तेज़ भागने में है और भागने में नहीं, इसको ये रेस के अंदर हमेशा फर्स्ट आता था। बस ये ड्रग्स वगैरह लेना इसने स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से इसको गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। और मुझे नहीं पता मैं इसको पकड़ भी पाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर इसने हमारा चेहरा देख लिया तो ये ज़रूर जाके फ्रैंक हैरिंगटन को बता देगा। तो ईमैन और मैं मिलके इसको है ना बहुत तेज़ी से पकड़ने वाले हैं, कितना भी तेज़ भागता हुआ लेकिन हमसे ज़्यादा दिमाग इसके अंदर नहीं है और हमें बचाने के लिए जो रीना आंटी ने हमारी हेल्प करी थी उसको भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो ये काफ़ी तेज़ी से भागते हुए काफ़ी तेज़ भाग रहा है। ईमैन तो थक गया लेकिन गाइस ये हमारी एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी कि ईमैन बहुत तेज़ भागता है, वो ड्रग्स के नशे में इतना झूठ बोल रहा था क्या ही बताऊँ। देखो सबसे पहली बात है कि मेरे को इसको पकड़ना, इसने हमारी शक्ल देख लिया है लेकिन फ्रैंक हैरिंगटन को पता है कि हम मर चुके हैं क्योंकि हम लास्ट वाले गेम प्ले के अंदर खाई के अंदर जंप कर रहे थे, वो भी कार के साथ, और रीना आंटी की बेटी या जो भी थी वो भी हमारे साथ बैठी हुई थी तो वो भी साथ में मर चुकी है। तो उसको तो लग रहा हो कि हम मर चुके हैं लेकिन अभी हम जिंदा है। तो देखो भागते भागते काफ़ी दूर आ चुका था और ये देखो ईमैन बिल्कुल सच कह रहा था, उसने इसको पकड़ लिया और पीछे से आके मैंने इसको दबोच लिया। तो अब जानी तू नहीं बचेगा, तू काय का ड्रैगन है, तेरी भैंस की टांग, मेरे को फ्रैंक हैरिंगटन के बारे में बता दे और अपनी जान बचा ले। देखो हम इसको पूरे अच्छे तरीके से नहीं मारेंगे और इसको हम किल भी नहीं करेंगे, इससे हमें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है। तो इसको पकड़ के हम काफ़ी दिनों तक रखने वाले हैं और इतना ही नहीं हम इसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी करेंगे। तो भाई तू आज तेरा लास्ट दिन था, जो भी तू कर रहा था ड्रैगन वैरागन हो, आग उगल चाहे कुछ उगल, ये तेरा लास्ट मुक्का था। तो गाइस मैंने इसको पकड़ लिया और ईमैन मैं जा रहा हूँ यहाँ से कह के निकल लेता है बट सारी मुसीबतें मेरे ऊपर ही आके टूट जाती है। वो क्यों? क्योंकि है ना ये जो ड्रैगन था इसके सारे दोस्त मिलके मेरे को मारने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ से मेरे को बेसबॉल बैट मिल जाता है जिससे इनका मैं बिल्कुल भूत तार देता हूँ। भूत तेरी भैंस की टांग, आहा बैठे बैठे कहाँ तक जाओगे। तो फाइनल गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी सारों को ढेर कर दिया था बट ये रुकने का नाम नहीं ले रहे और मेरे को काफ़ी तेज़ी से मार रहे। मेरे पास बेसबॉल बैट है बट यहाँ इनसे फाइट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो फाइनली मैं इन सारों को मार देता हूँ और मारने के बाद ये देखो और पता नहीं कहाँ से ही जंप कर रहे हैं, मतलब ये कहाँ से आ गए, मतलब मैं रास्ते में जा रहा था, इन्होंने बोरी पकड़ के मेरे को है ना किडनैप करके यहाँ ले गए और इनको लगा था कि ये मेरे को आसानी से मार देंगे बट ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस मैं आ चुका था अपने ये क्या कहते हैं इसको ब्रेन वॉश, हाँ इस कार का नाम है ब्रेन वॉश, मतलब जो भी ये खचाड़ा सी गाड़ी है इससे है ना हम किसी के माइंड के अंदर जाके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर है ना मतलब मैं इस बंदे के अंदर आ चुका हूँ और मैं इस पुलिस वाले को नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे को यहाँ पे जिन जिन बंदों ने हमको देखा है उन सारों को मेरे को यहाँ पे मारना पड़ेगा वरना वो जाके ईमैन से बता देंगे, ओ फ्रैंक हैरिंगटन से जाके बता देंगे। तो देखो इन सारे सबूतों को मेरे को सबसे पहले दबाना पड़ेगा ताकि ईमैन को लगे कि हम मर चुके हैं, लेकिन क्या ही करूँ गाइस ये लोग इतने ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने देखा है ना उन लोगों को तो सबसे पहले मेरे को मारना पड़ेगा, इस वजह से मैंने इस मशीन को बाय किया है। ये मशीन को मेरे रीना आंटी ने ही दिलवाया, तो देखो सबसे पहले इसने मेरे को देखा था तो मेरे को इसको मारना पड़ेगा और इसको मैं नहीं मार रहा वरना उसको पता चल जाएगा, मैं किसी भी सीसीटीवी कैमरे में आ जाऊँगा और ईजिली पता लग जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि मेरे को इसको मारना पड़ेगा और अभी यही नहीं काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे मेरे को साथ के साथ किल भी करना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैं उस सारे बंदों को मार के यहाँ से निकलता हूँ और इस आंटी के भेस में आ जाता हूँ क्योंकि उसको है ना पुलिस वाला मार देता है और उनके पास से मेरे को है ना ये पैरासूट मिलता है और पैरासूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वाला गेम प्ले जब हम खाई से कूदे थे तो पैरासूट ने हमारी जान बचाई थी। बट आज सबको लग रहा होगा ये खचाड़ा सी बाइक मतलब ये जो भी है वैन क्या ही कर लेगी गाइस, इसी ने मेरी जान बचाई है और मेरे को सारे सबूतों को सबसे पहले मेरे को दबाना है क्योंकि जितने भी लोगों ने मेरे को देखा है ना देखो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल रैंडम बंदा बन चुका हूँ, मतलब इसके थ्रू है ना हम किसी भी बंदे का है ना माइंड को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ पूरी की पूरी बॉडी को भी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ बंदे हैं और ये सारे गैंगस्टर है जो कि है ना फ्रैंक हैरिंगटन से मिलने के लिए बेताब है और यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं। तो मेरे को है ना किसी के भी थ्रू
आगे इसको बस इन सबको मारना है ताकि वहाँ तक ना पहुँच पाए। और फाइनली गाइस इनके पास गन थी और यहाँ पे ये बंदा मर जाता है। और यहाँ पे मैं इस बार मोटा बन के आता हूँ और यहाँ पे मैंने इन सारे बंदों को देखो मरवा दिया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा तो था नहीं कि इनको मैं मरवा दूँ, बट क्या ही करूँगा, इसके पास गन है और हमारे पास सिर्फ मुक्का है। तो देखो गाइस यहाँ पे इस बार है ना मेरे को सारे मामलों को खुद सुलटाना पड़ेगा। उन्होंने तो मेरा चेहरा देख ही लिया, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मैं खुद जाके इनको मारूंगा तब ज़्यादा क्लियर रहेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और किसी की जान भी जाए, तो इनको मैं मारता हूँ। और फाइनली इन दोनों को मारने के बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो जाता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है और भी ज़्यादा यहाँ पे गैंगस्टर आ चुके हैं। मतलब मेरे को है ना यहाँ पे जो फ्रैंक हैरिंटन है उससे पंगा लेने के लिए काफ़ी बड़ा पंगा करना पड़ेगा। मतलब देखो हम भी छोटे मोटे गैंगस्टर थे, लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे कि उससे पंगा ले सके। बट गाइस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी मेरे को देखा था ना, मैंने सारे के सारे लोगों को यहाँ पे किल कर दिया है और वो भी बिल्कुल साइलेंटली। और देखो यहाँ पे इतना ही नहीं, अब हम रेस करने जा रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास भी पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही काफ़ी सारे काम को हम करवा सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।